नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 14 सितंबर का दिन, विशेष उत्सव उत्साह उमंग का दिन, क्योंकि आज ही के दिन सन 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अधिकृत किया गया था। तो तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सरकार के द्वारा, सरकार के विभिन्न संस्थानों में, गैर सरकारी संस्थानों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास के रूप में मनाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी दिवस से अभिप्राय केवल 14 सितंबर को ही हिंदी को याद करना या हिंदी में बात करना या हिंदी में व्यवहार करना है। इस दिन को हम याद करते हैं क्योंकि इस दिन हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति हुई थी। तो इस बात को याद करने के लिए हिंदी दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। अन्यथा हिंदी तो हमारी संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की अस्मिता है, हमारे व्यवहार की भाषा है, हमारे संपर्क सूत्रों को जोड़ने वाली हमारी संस्कृति की संवाहिका भाषा है। तो उसके लिए किसी एक दिन हम उसको मनाएं, ऐसा नहीं है, परंतु सितंबर के महीने में हम पूरा इस महीने को एक उत्साह के रूप में, एक उमंग के रूप में, एक संकल्प लेते हुए मनाते हैं कि हम अधिक से अधिक अपना कार्य व्यवहार हिंदी में करेंगे, अपनी भाषा के प्रति, अपनी राष्ट्र की भाषा के प्रति गौरव का, सम्मान का भाव रखेंगे और इसी हिंदी भाषा में ही अपने कार्य व्यवहार करेंगे। और बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, या सरकारी संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, सब में हिंदी को लेकर के संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और कर्मचारियों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को हिंदी में कार्य करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो एक हिंदी की भाषा के प्रति, जो हमारी राष्ट्र की अस्मिता है, उसके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखने के लिए इस महीने में विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के लिए, हिंदी में कार्य व्यवहार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। और इसी कड़ी में ही आज हम हिंदी दिवस पर, आज हिंदी किस प्रकार से राष्ट्र की अस्मिता है, राष्ट्र की पहचान है, और ये पहचान कब से प्रारंभ हुई, किस तरह से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सभी प्रांतों को जोड़ने वाली बनी, एक सूत्र में जोड़ने वाली बनी, किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में वह विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य एक संप्रेषण की कड़ी बनी, फिर इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए, आंदोलन किए गए, और फिर स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम हिंदी दिवस की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम देखते हैं सर्वप्रथम कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में किस प्रकार से रही। संपर्क भाषा के रूप में सभी प्रांतों और भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी जनता की भाषा है, कोटि कोटि मानस के सुख दुख, कर्म और उल्लास की ऐसी अंतर प्रांतीय भाषा है जो अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर राष्ट्र को एक माला में पिरोए हुए है। विभिन्न भारत बहुभाषी देश है, भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, बहुभाषा भाषी हैं, तो एक भाषा दूसरी भाषा के साथ एक संबद्धता रखे हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी, संप्रेषण के स्तर पर भी,
विभिन्न स्तरों पर, तो इस तरह से एक राष्ट्र को एक माला के रूप में पिरोए हुए भाषा है। और संस्कृत भाषा इन सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है, और इसी संस्कृत भाषा से हिंदी का विकास हुआ, अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। तो ये भारतीय भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं कहलाई, और जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वे द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे सब भारोपीय परिवार की भाषाएं थी, और जिनका उद्भव स्रोत संस्कृत ही माना जाता है। तो इस तरह से हिंदी बहु प्रयुक्त भाषा रही, अनेक प्रांतों की भाषा रही, उसको बोलने वालों की संख्या अधिक थी। उसमें हमने अपने सुख दुख, अपने कर्म, अपने उल्लास बांटे, तो इस तरह से अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन करके हिंदी प्रस्तुत हुई। और हिंदी अपने साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी जोड़े हुए रही है, उनको अपने साथ लेकर के विकास को प्राप्त किया है। हिंदी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं रही, वास्तव में हिंदी राष्ट्रीय भाषा संगम है, जिसमें सभी भाषाएं मिलकर के अभिन्न हो जाती हैं। बंगला है, हरियाणवी है, बांगरू है, भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी है, तो विभिन्न प्रांतों की, विभिन्न राज्यों की भाषाओं का एक संगम है। क्योंकि हिंदी किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए हम नहीं कह सकते कि ये पंजाब की भाषा है या हरियाणा की भाषा है या उत्तर प्रदेश की भाषा है, ये सभी भाषाओं से, सभी बोलियों से, सभी क्षेत्रों की बोलियों से शब्दों का संग्रहण करते हुए अपनी उदारता के कारण एक सामासिक संस्कृति को लेकर के विकसित होने वाली भाषा है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा संगम कहा गया, और ये विश्व में पहले तो ये माना जाता था तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। परंतु पहली भाषा तो चीन की मंदारिन कहलाती है, और दूसरी वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी को माना जाता था। पर अगर हम हिंदी में उनकी जो बोलियां हैं उनको भी जोड़ दें तो हिंदी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, अंग्रेजी को पीछे रखते हुए दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में इसकी गणना की जाती है। हिंदी की पूरे भारत में व्याप्ति रही है, इसकी प्रयोग बहुलता रही, जिसके कारण हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उन्होंने कहा कि हिंदी उस बड़े भूभाग की भाषा समझी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से नेपाल के पहाड़ी प्रदेश तक, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। तो इस तरह से भारत के पश्चिम में राजस्थान से लेकर के उधर अम्बाला, शिमला, नेपाल तक होती हुई, और इधर बिहार, भागलपुर, रायपुर, खंडवा तक होती हुई, तो भारत के विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। तो इसकी प्रयोग बहुलता रही है। हिंदी ना सिर्फ भारत की पहचान है, इसका भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से तो अभी हमने देखा भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक रहा, पर केवल भौगोलिक दृष्टि से ही हिंदी की पहचान नहीं है। हिंदी हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहिका है। हमारे जो जीवन मूल्य, जो हमारी ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुए, जो संस्कृत के माध्यम से हिंदी को विरासत में प्राप्त हुए, तो इस तरह से उन जीवन मूल्यों को, उन अपनी संस्कृति को, उन अपने संस्कारों की हिंदी सच्ची संवाहिका बनी है, और विभिन्न विश्व के देशों तक इस संस्कृति को पहुंचा रही है, इन मूल्यों को पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं, पहले हम ये देखें कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में
अथवा राष्ट्रीय की एक विकसित भाषा के रूप में या राष्ट्र की एक सशक्त भाषा के रूप में किस तरह उसका विकास हुआ। हिंदी वास्तव में पूरे स्वतंत्रता संग्राम की, स्वतंत्रता संघर्ष की एक सार्वभौम वाणी रही, अपनी सार्वदेशिकता के कारण, अपनी सामासिक संस्कृति के कारण। हिंदी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की सार्वभौम वाणी के रूप में प्रस्तुत हुई। और हिंदी की संरचना किसी राज्याश्रय में नहीं हुई, किसी राजदरबार में उसको स्वीकृति नहीं प्रदान हुई, अभी तो लोक आश्रय में हुई। लोकमुख से, वाचिक परंपरा से हिंदी ने अपना स्थान बनाया अपनी विशेषताओं के कारण। और राष्ट्रीय आंदोलनों का संबंध जनता से था, और जनता की भाषा को महत्व देने के पक्ष में फिर आवाज बुलंद हुई, और जनता की, अधिकांश जनता की भाषा उस समय हिंदी थी। तो इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का जो संघर्ष देश की मुक्ति के लिए हुआ, उस आंदोलन में, उस संघर्ष में हिंदी का संघर्ष भी जुड़ गया, वे भी उसके साथ आगे बढ़ा। और क्योंकि हिंदी अधिकांश लोगों द्वारा बोली भी जाती थी, समझी भी जाती थी, पढ़ी लिखी भी जाती थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए, इसके लिए भी एक आंदोलन हुआ। उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए, इसके लिए आह्वान किया गया। समाज सुधारकों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, जनता के द्वारा। तो इस तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में, क्योंकि बिना भाषा के राष्ट्र गूंगा है, हर राष्ट्र की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। और भारत बहुभाषा भाषी है, पर हर भाषा का अपना एक स्थान है, परंतु राष्ट्र की एक प्रतिनिधि भाषा अवश्य होती है जो उसकी पहचान होती है। तो ये बात देश की स्वतंत्रता के समय समाज सुधारकों ने, राजनीतिज्ञों ने, साहित्यकारों ने अनुभव की, और इसलिए इसकी प्रयोग बहुलता को देखते हुए, इसकी सार्वदेशिकता को देखते हुए, इसकी सार्वभौमिकता के, सामासिक संस्कृति के गुण को देखते हुए राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आह्वान किया गया। और ये आह्वान प्रारंभ हुआ अहिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर से। हिंदी भाषी हिंदी के लिए वकालत करते, उसको राष्ट्रभाषा कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए आह्वान करते, तो एक पक्षीय बात हो सकती थी। परंतु चाहे वो बंगाल में रहने वाला है, गुजरात में रहने वाला है, या महाराष्ट्र में रहने वाला है, सबने एक मत से ये स्वीकार किया कि हिंदी को ही हम संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें, तभी राष्ट्र की मुक्ति संभव है, तभी हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष सफल हो सकता है। और इस क्षेत्र में सबसे आगे आए बंगाल के केशव चंद्र सेन, जो बंगला पत्र के संपादक थे, सुलभ समाचार पत्र के। उन्होंने भारतीय एकता के लिए हिंदी को भारत की एकमात्र भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा मानने की अपील की, कि भारत की एकमात्र भाषा हिंदी ही है, तो इसलिए हिंदी को सबको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आह्वान किया। इसी तरह से वंदे मातरम गीत के रचयिता, बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी, क्योंकि हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो एक्के बंधन स्थापित कर सकेगा वही भारत बंधु कहलाने योग्य है। तो सच्चा भारत का हितैषी, भारत का बंधु वही है जो विभिन्न प्रदेशों में एकता के बंधन, एक्के को, एकता को स्थापित करने का प्रयास करेगा।
और ये एकता किससे हो सकती है, हिंदी भाषा की सहायता से। तो इस तरह से हिंदी उनका स्पष्ट मत था, उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था, उनका विश्वास था कि हिंदी एक दिन अवश्य भारत की राष्ट्रभाषा होकर के रहेगी। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक, जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, एक और बंगाल से आवाज उठी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, तो दूसरी ओर पंजाब से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिए संघर्ष किया, एक आंदोलन प्रारंभ किया। हिंदी केसरी पत्रिका निकाला करते थे बाल गंगाधर तिलक, और उसमें उन्होंने कहा, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके साथ साथ हिंदी के लिए भी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन वास्तव में नागरी लिपि में लिखित हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिए था, क्योंकि उस समय अदालतों में फारसी लिपि में लिखित उर्दू भाषा में ही व्यवहार चल रहा था। और एक वर्ग विशेष के द्वारा ये अपील की जा रही थी कि हिंदी भाषा स्वीकार की जाए परंतु फारसी लिपि में। तो इसका विरोध करते हुए उस समय अनेक समाज सुधारक राजनीतिज्ञ इस आंदोलन को प्रखर किया उन्होंने कि सर्वमान्य लिपि नागरी लिपि है, उसका प्रचार होना चाहिए और नागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये आंदोलन उत्तर भारत में केवल सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, ये तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अभी हमने यही कहा कि राष्ट्रीयता की पहचान उसकी भाषा होती है, और भारत की जब तक एक भाषा सर्वस्वीकृत नहीं होगी तब तक वे एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के लिए किया गया। उसके पश्चात जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आए और अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने हिंदू भारतीयों के साथ भेद की नीति को देखा, तो उनके मन में कहीं देश की आज़ादी के लिए प्रबल भाव था और यहाँ आकर के उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में का नेतृत्व किया। मई 1917 में उन्होंने एक लेख लिखा हिंदी के पक्ष में कि हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, ये बात निर्विवाद सिद्ध है। निर्विवाद की यहाँ इसमें कोई दो पक्ष होने की या मत वैभिन्न होने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा। अब ये कैसे हो सकती है इस पर विचार करना है, क्योंकि तब तक अभी उसको भाषा के स्तर पर या शिक्षित समुदाय में स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई थी, तो ये कैसे उसको स्वीकृति प्राप्त हो इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ गांधी जी ने हिंदी स्वराज्य जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा कि सारे हिंदुस्तान के लिए तो हिंदी ही होनी चाहिए, उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। अब जो एक नागरी लिपि में लिखी गई हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, ये जो एक आंदोलन चला था जिसके कारण एक वर्ग विशेष को आपत्ति थी, तो गांधी जी ने एक समन्वय का रुख अपनाते हुए वहाँ कहा कि उर्दू में या नागरी लिपि दोनों में ही लिखने की छूट होनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने उन्होंने कहा कि हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का
हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, फारसी को पर्शियन का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी भाषा को भाषा का प्रयोगता है, सबको हिंदी का सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वे आपस में संप्रेषण कर सकें, एक दूसरे के विचारों को जान समझ सके और तभी स्वतंत्रता के लिए चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो पाएगा। इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रत्येक भारतीय नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे तो उनके द्वारा हिंदी को स्वीकार करने की जो बात कही गई उसका समर्थन रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया। और इसी विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ सके और वे भाषा हिंदी है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। इसी तरह से समाज सुधारकों द्वारा भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत करने का आह्वान किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक रहे वे हिंदी को आर्य भाषा कहते थे और उन्होंने हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए भी अपील की। इसीलिए उन्होंने जितने भी ये डीएवी विद्यालय महाविद्यालय खोले उन सब में शिक्षा का माध्यम हिंदी में रखा। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब शिक्षा का माध्यम निश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया जाए तो वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उस आयोग में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मेमोरेंडम भेजा गया। इसी तरह से थियोसोफिकल सोसाइटी जिसके अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने भी की, उन्होंने पुस्तक लिखी नेशन बिल्डिंग, उसमें भी उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है और वे यह है कि उसका प्रचार सबसे ज़्यादा है और वह भाषा हिंदी है। तो समाज सुधारकों द्वारा भी प्रयास किया गया और साहित्यकारों के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने तो सूत्र वाक्य दिया निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न संशय सूल, कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है और अपनी भाषा को अगर हमें राष्ट्रभाषा बनाना है तो अनुनय विनय करने से अनुरोध करने से काम नहीं चलेगा, उससे हिंदी को कभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सकता, उसके लिए जनव्यापी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भारतेंदु विभिन्न प्रांतों में विभिन्न राज्यों में जा जाकर हिंदी भाषा के समर्थन में, नागरी लिपि को लाने के समर्थन में निरंतर भाषण देते रहे, जनता को प्रोत्साहित करते रहे, साहित्यकारों को हिंदी में लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वयं नाटक निबंध कहानी उपन्यास की रचना की। तो हिंदी नव जागरण के पुरोधा ही भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं और जिन्होंने हिंदी में गद्य का प्रारंभ किया। इससे पहले हिंदी में गद्य लेखन नहीं था तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु माने जाते हैं। केवल स्वयं ही नहीं लिखा, अपने मंडल के अपने सहयोगी साहित्यकारों को भी हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी आदि अनेक कवि हिंदी लेखन में आ गया है। प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने नारा दिया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान,
बाबा तोताराम बाबू तोताराम द्वारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार के लिए अलीगढ़ में भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की गई। और इस तरह से फिर आगे हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में, उसके संवर्धन में, उसके व्याकरण सम्मत बनाने में योगदान दिया। इस तरह से हिंदी साहित्यकारों द्वारा हिंदी को समृद्ध करने के विभिन्न प्रयत्न किए गए। तो इस तरह से विभिन्न प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हिंदी एक समृद्ध रूप में आज हमारे सामने है, और जिसे फिर देश के स्वतंत्र होने के पश्चात राजभाषा के रूप में अधिकृत किया गया। तो इस आज के व्याख्यान में हमने हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में भी स्थान तक कैसे पहुंची, इस पर चर्चा की। धन्यवाद।